के हाथ में सबके माँ बहन करने आई है। अरे बंद कर बंद कर। यार मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अभी तक देश की जनता मर रही है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे लोग मन की बातें तन की बातें कर रहे हैं। हाँ पता नहीं, वेरी बैड यार। ये देश की जनता के लिए रियली एक सबक है ये, इसलिए सोच समझ के वोट देना चाहिए। जब पता है कि हमारे देश में इतनी करोड़ों जनता है, तो पहले से ये सारी डेढ़ दो साल से नहीं है क्या करोना, तो वैक्सीन की सुविधा होनी चाहिए ना पहले से। सुविधा होना चाहिए, चलो वैक्सीन चलो लेट बना तो ऑक्सीजन की तो होनी चाहिए ना, ऑक्सीजन बेड। ये यहाँ मन की तन की पता नहीं कौन से बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन हो रहे। मैं मन तन की बात कर रहे हैं, मैं अभी लर्न की बात करना चाहती हूँ। लर्न करो, अभी से सबक सीखो, अभी सीखो। वेरी बैड लोग कैसे कैसे एक एक साथ में कैसे लोग चलाए जा रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है। अरे भाई ऐसे दिखा रहे ऐसे मंत्रियों पे भाई, देश की जनता ने विश्वास किया। खुद तो अमेरिका प्राइवेट फ्लाइट में जाके खुद तो अमेरिका इधर जाके ओरिजिनल वैक्सीन लगा के आ गए, यू नो। दिखा रहे ऐसे मंत्रियों पे भाई, तो देश की जनता पर ध्यान नहीं दे रहे भाई। देश आज बर्बाद हो गया, बताओ मैं अकेले कितना आवाज उठा सकती हूँ। वेरी बैड लोग यहाँ पे कितना मर रहे हैं। अभी यूट्यूबर जो थे राहुल वोरा वो ये संभावना के डैडी, कितने आर्टिस्ट यू नो, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ईश्वर ना करे कभी मेरी माँ को, परमेश्वर ना करे कभी कुछ हो, किसी के भी माँ बाप को कुछ ना हो, यू नो। कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का? देश चलाते हो तुम लोग भाई, देश नहीं चला सकते तो रिजाइन दे दो ना। देश चलाना मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ बकचोदी नहीं करना होता है देश चलाना। मैं आज बहुत ज़्यादा भड़की हूँ। पावर है आप लोगों के हाथ में, ऑक्सीजन तो कहीं से भी किसी भी देश से मंगा सकते हो। मैं तो कहती हूँ सलमान खान और सोनू सूद को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि असली हीरो तो वो ही है, सोनू सूद। सबसे ज़्यादा कितना लव करते हैं अपनी कंट्री से, अपने लोगों से, सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये लोग देखो कितना प्यार करते हैं अपने देश की जनता से। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं मंत्री, क्या कर रहे हैं लोग, ये सारे मंत्री कर क्या रहे हैं? पैसा जा कहाँ रहा है बजट कहाँ? अभी अभी नीना गुप्ता जी का वीडियो मैंने देखा, ऑक्सीजन के पैसे भी चोरी हो रहे हैं। क्या है भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी गोदाम में भर रहे हो सात पुष्ट की, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें धरती माता माफ करेगी? तुम्हें क्या लगता है कि जो बच्चों की माएँ पिता उनके सर के सहारा निकल गया है, क्या वो तुम्हें माफ़ करेंगे? मंत्री लोगों को सिर्फ ये मेरे मैसेज सारे मंत्रियों को है, क्या देश की जनता जो इस कदर मौत में मरी है, जिनका हम क्या थे अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते, क्या वो माफ़ करेंगे? क्या ईश्वर आपको माफ़ करेंगे? आपको क्या लगता है आप सात पुष्ट के लिए सारे पैसे भर के रखे हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को वो कमाई खिला पाएंगे? क्या हमारे लोग जो देश की गरीब जनता, जो गरीब हो या अमीर हो, किसी को भी ऑक्सीजन वैक्सीन नहीं मिल रहा, क्या तुम्हें लगता है कि इनकी आत्मा नहीं भटकेगी, इनकी आत्मा नहीं भटकेगी? क्या आपको ये आपको लर्न करना चाहिए, देश की जनता को लर्न करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए। सोच समझ के वोट दो, एक लहर में मत घुसो। वेरी बैड, आज मेरा दिल रो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सलमान खान जैसे महान मसीहा, सोनू सूद जैसे महान मसीहा,
इन लोगों को चुनो परमेश्वर, देश की राजगद्दी इन लोगों के हाथ में दो, ना कि पाखंडियों के हाथ में। दोस्तों मुझे जो कहना था मैंने किया है, कहा है। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे देश की जनता ऐसे कीड़े मकड़ों के जैसा मर रही है। ये दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन, ये तो अभी दूसरी लहर है, तीसरे लहर के लिए आप लोग रेडी हैं क्या? हमारे देश के मंत्री तीसरी लहर के लिए रेडी है? अभी छोटे बच्चों को, बच्चों के ऊपर आने वाली है, उन माँ बाप को क्या होगा? तीसरी लहर आ रही है, बच्चों का क्या होगा? अब मुझे सबसे ज्यादा बच्चे प्यारे हैं। क्या सारे मंत्री लोग बच्चों के लिए बेड इंतजाम किए हैं, उनके लिए वैक्सीन? डॉक्टर कितना दिन रात काम कर रहे हैं बताओ? मंत्री लोग सिर्फ अपने आप को सेव करके घर में बैठे हुए मास्क लगा के डिबेट कर रहे हैं। हमें डिबेट नहीं चाहिए, हमारे तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, हमें बेड चाहिए और हमें ऑक्सीजन चाहिए, तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए, काम करो। थैंक यू, सॉरी। पैसा मैंने उनका वीडियो देखा, ट्वीट भी किया, देखिए मेरा इलाज अगर होता तो मैं बच भी सकता। आई नो, वैक्सीन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था उसके पास। ये गलत बात है, जब आप वोट लेते हो, पता है आप नोट खर्च करते हो तभी वोट मिलता है, और देश की जनता को भी समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं वोट करना चाहिए इन लोगों को। सही मंत्री जो हो, देश के लिए जो प्राण दे, जो देश की जनता के लिए प्राण दे, उनको वोट करो। सॉरी प्लीज, साइड प्लीज, साइड साइड प्लीज। राखी जी बहुत सैड में है आज, बहुत ज़्यादा सैड हूँ। कोई नहीं, राखी जी बिल्कुल भी रोने का नहीं। हाँ बाबू, ये भी रोना तो आएगा ना। बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे, भगवान का रूप होते तो छोटे छोटे बच्चे। टेक केयर राखी जी, टेक केयर, टेक केयर, बाय।